यार इतना बकवास खाना था। टिक्की तो एकदम बकवास थी, इतना नमक ठोक रखा था, बिल्कुल मजा नहीं आया। और तो और, जो इनकी रोहतक वाली चाची है ना, वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे खाई जाएगी। अरे तो तुम्हें क्या खा गई वो, छोड़ो ना। हाँ मम्मी, अब इतना क्यों सोचते हो, मरने दो ना। अरे जब उनका तो काम है यार रिश्तेदारों को कुछ कुछ करना, हम ये थोड़ी है उनके चक्कर में अपना काम छोड़ के उन पे ध्यान देंगे। मम्मी मेरे को ना बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाना बना देना घर जाकर। हाँ मम्मी, मैंने भी शादी में कुछ नहीं खाया, अब घर जाके कुछ अच्छा सा बना देना। ठीक है बेटा, मैं पुलाव बना लूंगी जाके। अरे देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बहसबाजी मत किया करो, ठीक है। अब एक काम करो, देखो वो पेट्रोल पंप है, वहाँ लगा लो गाड़ी को, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, चल के तेल डलवा लो इसमें। हाँ बेटे ठीक कह रहा है, वहाँ पेट्रोल पंप है, वहाँ डलवाते हैं पेट्रोल। अदिति इतनी परेशान क्यों हो रही है, क्या बन रही है जैसी शक्ल बना रखी है? मम्मी मुझे बहुत जोर की लगी है, मेरे को बहुत जोर की वॉशरूम आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। यही देख कहीं मिल जाएगा वॉशरूम। हाँ भाई तेल डाल दे गाड़ी में। कितना डालना है जी? टंकी फुल कर दे यार, अभी बहुत दूर जाना है। कितना गंदा वॉशरूम है। मैं सभी पेट्रोल पंप वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज लड़कियों के लिए अच्छा सा वॉशरूम बनाए। ये मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं जनरली बोल रही हूँ। चलो आगे वीडियो देखते हैं। एक तो इतना गंदा वॉशरूम है और आसपास और कोई वॉशरूम भी नहीं है, तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, यहाँ चली जाती हूँ, अरे यहाँ कर लेती हूँ, याद है मुझे कहीं देख भी नहीं पाएगा। एक मिनट, यहाँ कोने में बड़ा अंधेरा है और अंधेरे में भूत हुआ तो, और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। एक काम करती हूँ, घर जाके ही कर लेती हूँ। अदिति अदिति, कौन है वहाँ, कौन है, कौन है वहाँ? रजत तू तो नहीं है, मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा ना तू? भाई को पता है ना मैं भूतों से कितना डरती हूँ, तू तो नहीं निकाल रहा ना ये आवाज। अरे अब तो तेल भी डल गया, ये अदिति कहाँ रह गई, कहीं किसी चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया इसको? अरे बेटा उसका पेट खराब था। पेट खराब था क्या, इसको दस्त लग गए? बेटा देख क्या, कहाँ गई? जाता हूँ। फुल कर देना टंकी को, रोकना मत फुल से पहले। अदिति पता नहीं पापा कहाँ है, मुझे नहीं मिली। कहाँ चली गई यार? क्या पता कहाँ चली गई। अरे आ गई है देख, चलो बेटा बैठो बैठो बैठो। कहाँ चली गई थी अब बता तो दे। मम्मी कहाँ रहेगी? मम्मी देखो मैं पहले ही कह रहा था इसको दस्त लगे हैं, तभी पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली, शांत बैठ के आई है। ओए निकम्मे, कुछ नहीं कहेगा मेरी प्यारी बिटिया को, वरना तेरे दस्त लगा दूंगा। चल अंदर। अरे कहाँ रह गई मम्मी, खाना नहीं लेके आई अभी तक। अबे तुझे क्या हो गया, फेविकोल भर लिया क्या मुंह में? अरे मुंह चिपका लिया क्या? अदिति बेटा खाना खा ले, तुम दोनों के लिए ला रही हूं मैं। क्या करूं मैं, मर जाऊं।
इसको क्या हो गया? जरूर इस गधे ने हमारी लाडली बेटी को परेशान किया होगा, जरूर इसने कुछ बोला होगा उसको। पापा ये क्या बात हुई, हर बार आप मेरे नाम पे बिल फाड़ देते हो, मैंने कुछ नहीं किया। वो खाना छोड़ के चली गई, वो भी तब जब उसको इतनी भूख लगी थी। मम्मी मुझे क्या पता। रुको मैं जाके बात करती हूँ रूम में। अदिति बेटा तुम खाना छोड़ के क्यों आ गए? क्या हुआ बेटा, इस रचित गधे ने कुछ बोल दिया क्या? अदिति बेटा बोलो। मुझे घूमने जाना है। रचित। हाँ मम्मी क्या हुआ? बेटा देखो ना इसको क्या हो गया। क्या हो गया मम्मी, ये तो सो रही है। नहीं बेटा सच में अदिति ने मुझे बहुत डरावने तरीके से देखा। अरे मम्मी वो तो देखेगी ना, चुड़ैल तो है ये। गधे मार मार के तेरे को भूत बना दूंगा। अरे वो थक गई है, सुबह तक आराम करने दे इसको, सुबह बात करेंगे। चलो 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 चलो। सुनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी। अरे अदिति, अरे कॉलेज जाना तो अभी तक तैयार नहीं हुई, वैसे भी इतने टाइम के बाद कॉलेज खुल रहे हैं, चल जल्दी जाके तैयार हो ले। चल चल। मुझे घूमने जाना है। घूमने जाना है? अबे अभी तो घूम के आई थी शादी में कुछ दिन पहले, जाके तैयार हो ले कॉलेज के लिए, चल जल्दी जा। चल मैं बोल रही हूँ मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस घूमने जाना है। अरे क्या हुआ? मम्मी देखना इसको, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं फिर भी इसने रट लगा रखी है, मुझे घूमने जाना है घूमने जाना है। मैंने ये भी बोल दिया कि शादी में घूम के तो आए थे, फिर भी रट लगा के बैठी है, घूम के आऊंगी घूम के आऊंगी। इसको बोलो जल्दी जाके तैयार हो गए कॉलेज के लिए ये। अच्छा अदिति इधर आ तू मेरे पास, मैं घुमा के लाऊंगी तेरे को। मुझे बस गाड़ी में घूमने जाना है। अच्छा बेटा रचित एक काम कर, तू जा इसे यहीं तक घुमा ला गाड़ी में, तेरी छोटी बहन है बेटा, जा जा घुमा ला। आई बड़ी छोटी बहन, चल तुझे घुमा के लाऊंगा गाड़ी में, चल। मुझे घूमने जाना है, मुझे घुमाने ले चलो, मुझे घूमने जाना है, मुझे घुमाने ले चलो। अदिति क्या हुआ बेटा? मुझे घूमने जाना है, मुझे घुमाने ले चलो। रचित रचित बेटा। हाँ मम्मी क्या हुआ? रचित बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, इसको सच में कुछ हो गया। हाँ मम्मी मजाक में मत लो, अब कुछ सीरियस है सच में। पहले तुझे बोला था तू भी नहीं माना, अब ये लोग नहीं मान रहे, मेरी बात नहीं मानोगे ना तुम? हाँ मानेंगे ना बेटा, जरूर मानेंगे, पहले तुम शांत हो जाओ बेटा। मुझे घूमने जाना है, मुझे घुमाने ले चलो। हाँ हाँ बेटा घुमाने ले चलेंगे, अभी रात को रास्ते बंद है ना, सुबह खुल जाएंगे तब घुमाएंगे बेटे को। पक्का? हाँ बेटा पक्का, बिल्कुल पक्का। अगर मुझे घुमाने नहीं ले चले तो फिर? बेटा कह तो रहे हैं ना पक्का घुमा के लाएंगे, तुम जाओ अब सो जाओ बेटा। ठीक है। हे भगवान क्या हो गया मेरी बेटी को, लगता है किसी ने टोना टोटका कर दिया है तभी ऐसी हरकतें कर रही है। मम्मी पहले तक तो ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन अब इस चीज को मजाक में मत लो। अच्छा अच्छा अब तुम लोग शांत हो जाओ, कल वर्मा जी को बुला के उनसे कुछ पता करते हैं, इस समस्या का समाधान तो निकालेंगे, कल देखते हैं बेटा। ठीक है पापा। इसका कल बंदोबस्त करता हूँ कुछ।
और शर्मा जी, क्या चल रहा है आजकल? क्या बताएं वर्मा जी, बहुत परेशान चल रहे हैं। कई दिनों से बड़ा अजीब सा हो रहा है जिंदगी में। अदिति को पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान चल रहे हैं यार। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या, आजकल चुड़ैलों का साया बहुत फैल रहा है। चुड़ैले? हाँ हाँ, बहुत से लोगों को परेशान कर रही है चुड़ैल। आप लोगों ने एक बाबा के बारे में सुना है क्या? कौन बाबा भाई? अरे वो बहुत से लोगों को ठीक कर चुके हैं, वो आपकी भी परेशानी दूर कर देंगे और जो भी दिक्कत है सारी बता देंगे आपको। अच्छा ठीक है, फिर तो वर्मा जी उनका कुछ पता पता ठिकाना कुछ बताओ। हाँ हाँ, ये लो एड्रेस। ये क्या अजीब सा एड्रेस है भाई, शमशान घाट के पीछे शैतान गली, प्रेत आत्माओं का मोहल्ला। ठीक है वर्मा जी, हम इनसे जाके जल्दी मिलेंगे। अंडमंड का टोला, मैं हूँ बाबा बिल्कुल भोला। मेरे पास है एक झोला जिसमें एक चिलम और एक भांग का गोला। बताओ अगला कौन है जिसका भूत निकाला है? आ इधर। अरे पूरक, चप्पल बाहर उतार क्या? गरीब आदमी जूते भी नहीं पहन के आते। बैठ यहां पर। अरे तू फिर से आ गया, यू नहीं मानेगा तू, बाबा की बात नहीं मानेगा तू। अरे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा बाबा की बात। क्या बात है बच्चा? बाबा जी मेरी बेटी है, कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, लगता है उसका किसी ने कुछ कर दिया है। और बाबा जी पता नहीं उसको क्या हो गया है, बस घूमने की बोलती रहती है, मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। बाबा जी प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। दिक्कत तो बहुत विकट है, लगता है बहुत गंभीर समस्या है। हाँ बाबा जी ठीक कर दो प्लीज। चिंता ना करो बच्चा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और देखूंगा वो कौन सा संकट है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। ये लो बाबा जी। ये क्या है? बाबा ये मेरे घर का एड्रेस है, एड्रेस होगा आपके पास तभी तो मेरे घर पे आओगे। अरे नालायक, तुझे पता नहीं बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा खुद तेरे घर पहुंच जाएंगे तेरी गंध सूंघते हुए। वो बाबा तो बिल्कुल वैसा है, वो आर्मी में डॉग स्क्वाड के कुत्ते होते हैं ना, जो किसी को भी स्मेल करके कहीं भी पहुंच जाते हैं। चुप रह, पापा नाराज हो जाएगा, चुप। कल तैयार है ना सब घर पे, कल अमावस की रात है, मैं घर पे आऊंगा और उस चुड़ैल को तुम्हारी बच्ची में से निकाल के ले जाऊंगा। ठीक है तो बाबा जी हम चलते हैं। अरे जा कर रहे हो, इधर आओ। पैसे हैं? नहीं बेटा पैसे तो नहीं लाया मैं। बाबा पैसे तो नहीं लाए हम। पैसे नहीं लेकर आए? अरे पेटीएम कर दो, यूपीआई कर दो, ट्रांसफर कर दो, हम तो चेक भी लेते हैं, और अगर कार्ड लेकर आए हो तो हमारे पास स्वाइप मशीन भी है, है? बेटा पेटीएम कर दे। बाबा पेटीएम है। कर दो, नंबर लिखो। ये नंबर है? मैं हूं बाबा अफगान रंगीली, मुझे देखकर बड़े बड़े भूत कर देते हैं अपनी पैंट गीली। जय बाबा रंगीली, जय बाबा रंगीली। इस घर पे तो जंगल की माया है, किसी चुड़ैल का साया है, उसने जो महंगा परफ्यूम लगाया है वो हवा के साथ मुस्तक आया है, इसे पकड़।
जा, जाके इसे इनके रसोई में रख दे, जब ही मैं अंदर एंट्री कर पाऊंगा। जय बाबा अफगान रंगीली। बाबा जी डन। आओ बाबा आओ, बहुत दिक्कत में हमारी बच्ची फंस गई है किसी ऊपरी हवा में। चेले यहां पर माया चक्र बनाओ, हम वहां बैठेंगे। इसको किसने बुलाया? निकल जाओ। बेटा तुम डरो मत, डरो मत तुम। मैं सब ठीक कर दूंगा। चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा। पहले तू बता तू कौन है और इस बच्ची में क्या कर रही है, और ये घूमना है घूमना है घूमना है गाड़ी में घूमना है, ये क्या चक्कर है? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को घूमने ले चलो, मेरे को घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। अब जल्दी से सब कुछ बताती है नहीं तो फेंक दूंगा तेरे पर, यहीं पर भस्म कर दूंगा तुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ मत फेंकना, मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ। पेट्रोल पंप पे देखा था मैंने इसे और इसके परिवार को, काफी अच्छे कपड़े पहने थे इन्होंने, मैं देखते ही समझ गई थी ये लोग कितने अमीर हैं। और इनके पास काले कलर की गाड़ी भी थी, और तुमको तो पता है भूतों को काला कलर कितना पसंद है। अबे वो गवार चुड़ैल, वो नए कपड़े हमने इसलिए डाले थे क्योंकि हम शादी से आ रहे थे। बेटा चुप रह तू, बिल्कुल चुप मत बोल। ठीक है मम्मी, ठीक है मैं चुप हूँ। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये आपकी तरह मुझे भी कोई प्रोटेक्शन दो ना। लाओ इसे अपने गले में डाल ले। नींबू। ठीक है अब आगे बोल। मैंने उसको अपने जाल में फंसाया, अपने पास बुलाया और उसके अंदर घुस गई, और अब मैं घूम रही हूँ। क्या करूं अब मैं, मर जाऊं? अरे क्या है तेरा घूमने का शौक, और क्या मिलता है तुझे इससे? अब नहीं बताऊंगी, मेरे को अब घूमना है, मेरे को अब घूमना है, मेरे को अब घूमना है। कट्टे देने चढ़ दी, कटी देने चढ़ दी, चढ़िया दे टप्पू तो टप चढ़ दी। बोलो बताती है या फेंक हुई बबूत दोबारा तेरे ऊपर? नहीं नहीं नहीं, इसको मत कहना, मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ। मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी, मैं बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे पास एक गाड़ी भी थी, मेरे को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए मैं हमेशा घूमती रहती थी। मैं इतना घूमती थी कि मुझे देख के लोगों ने अपने ट्रैवल व्लॉग चैनल बना लिए थे। सुबह मैं अपनी गाड़ी लेके बाहर घूमने जाती, पूरे दिन घूमती और रात को वापस आ जाती। क्या करूं मैं, मर जाऊं? और जो भी मुझे मिलता था उसको मैं अपने साथ घूमने ले जाती थी, और कभी कभी तो मैं अपने नौकर के साथ भी चली जाती थी। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि ये मेरे घूमने के बीच में आ रहा था। नौकरी छोड़ दी थी तो तेरे पास पैसे कहाँ से आते थे? पैसे? हाँ पैसे, मैंने सबको बेच दिया। क्या मतलब सबको बेच दिया? मतलब मैंने सबको बेच दिया, अपनी माँ भाई बहन पापा और अपने बॉयफ्रेंड को भी, और उन पैसों से बस वे शाम में घूमती रही घूमती रही घूमती रही।
और फिर क्या? और फिर सरकार ने पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए कि मैं गरीब हो गई और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और अब मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के पैसे ही नहीं बचे। बाबा इसको पूछ रहा है मरी कैसे? चुप कर, मुझे ये बता तू मरी कैसे? मेरे पे कुछ नहीं बचा था सिवाय दो ऑप्शन के। अरे कैसे दो ऑप्शन? पहला कि मैं घूमू और जिंदा रहूं, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि सरकार ने पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए कि जिंदा आदमी घूम ही नहीं सकता। और दूसरा कि मैं मर जाऊं और चुड़ैल बनके किसी भी अमीर आदमी के अंदर घुसू और पूरे समय घूमती रहूं घूमती रहूं। और इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन चूज करा। अब ये बता तुझे किसी ने मारा या तूने अपनी जान खुद ले ली? और मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे पे कोई चारा नहीं था। पर फिर मैंने देखा कि मेरे पास 100 रुपए बचे हैं और उसी 100 रुपए से पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आई और पी गई और फिर मर गई। इसीलिए सरकार ने ना बोतल में पेट्रोल देना बैन कर रखा है। ये बैन मेरी वजह से ही तो हुआ है। बकवास बंद कर, तुझे हमारी बेटी क्यों मिली? वहां और भी लोग थे, और भी गाड़ियां थी। क्योंकि तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल की थी। पेट्रोल? अबे तुझे पेट्रोल से क्या मतलब? तुझे सिर्फ घूमने से मतलब है ना? अबे ओ बेवकूफ चुड़ैल, डीजल की गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी? देखो मुझे ना डीजल से एलर्जी है, मेरे सर पे चढ़ता है, मैं डीजल वाली कार में नहीं बैठती। ओ बकवास बंद कर, तू सीएनजी की गाड़ी में चली जाती। अच्छा तेरे को पता नहीं है सीएनजी गाड़ी में कितना रिस्क है, कितने हादसे होते हैं, अगर सिलेंडर फट गया तो मैं मर गई तो मेरा क्या? अरे तू तो पहले से मरी हुई है और कितना मरेगी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मौत से सिर्फ तुम इंसान ही डरते हो? हमें भी लगता है डर मौत से। अच्छा ये सब छोड़, इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, उसमें क्यों नहीं गई तू? अरे इलेक्ट्रिक कार भी कोई कार हुई, हमारे भी कोई स्टैंडर्ड है, इससे अच्छा मैं रिक्शा में ना चली जाऊं। आगे बता। हाँ तो मेरे को पेट्रोल की गाड़ी चाहिए थी तो मैंने इनकी गाड़ी को देखा और जैसे ही इनकी गाड़ी मेरे पास आई मैं सूंघ के समझ गई कि ये पेट्रोल वाली गाड़ी है। फिर मैंने सोचा कि किसके अंदर आऊं, फिर मैंने इस छोटी लड़की अदिति को देखा, घर में सबसे छोटी है, सब इसकी बात मानते होंगे, सब इससे प्यार करते होंगे, तो मैं इसके अंदर आ गई और अब मैं ही अदिति हूँ और अदिति ही मैं हूँ। और अब मैं इसको छोड़ने नहीं वाली। ओ दुष्टात्मा अभी बताता हूँ तुझे ऐसे कैसे नहीं जाएगी। ओ आई चिकनी चमेल चुपके अकेले पौआ चढ़ा के आई। नहीं जाऊंगी लेकिन। अरे क्या लेकिन? जब मैं लोगों को कंगाल कर दूंगी तब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे पहले 6 लोगों के और घुसी थी और जब तक मैंने उनको कंगाल नहीं कर दिया पेट्रोल डला डला के घुमा घुमा के तब तक मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। बाबा हमें क्यों कंगला करेगी ये? आधा पैसा तो आप लूट चुके हो, बाकी बचा कुछ हम इसके चक्कर में लुटा दे, हम क्या यहाँ पे सर पकड़ के बैठेंगे? अरे ओ बाबा जैसे भी हो इस चुड़ैल को मेरी बेटी के अंदर से निकालो वरना पेमेंट काट लूंगा। अरे निकालता हूँ निकाल ही तो रहा हूं। अरे ओए तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ तेरे को। मम्मी मुझे मार रहा है, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। अरे रुको रुको मत मारो मेरी बेटी को, अदिति है वो। अरे आप रुकिए, आप इसकी बातों में मत आइए। नहीं पापा मैं आपकी अदिति हूँ, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। बाबा जी रुक जाइए। चले जाओ यहाँ से और मुझे घूमने दो। अभी लगता है मुझे लाश मंत्र फूंकना ही पड़ेगा।
जी बाबा जी प्लीज कीजिए। ठीक है अब सारे शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो बाबा जी कुछ की जगह क्या बोलेगा? अरे भाई बिजनेस करने से चुप। देखो जी आप अपने लड़के को चुप कराओ नहीं तो मैं चला। बाबा जी बैठो चुप एकदम शांत एकदम बोलना नहीं बेटा चुप नहीं बोलेगा और इधर हवा कर। बाबा जी ये क्या चीज है? चुप कर। ये है पेट्रोल। लेगी लेगी चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, इसकी वजह से तो मैंने सब कुछ बेच दिया, ये मेरे को चाहिए, यही चाहिए था ना तुझे, हाँ? आजा, आजा, लेगी, लेगी, आजा, ले ले, 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 आजा, आजा, यही, मेरे को यही तो चाहिए। मेरी बेटी अदिति। आप सब शांत हो जाइए, अदिति बिल्कुल ठीक है, चुड़ैल को मैंने इस बोतल में बंद कर लिया है। बाबा रंगीली की जय, बाबा रंगीली की जय। अदिति बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मुझे क्या हुआ है? जो होना था ना वो हो गया। पर वो क्या था? वो तेरे को मम्मी और पापा बता देंगे, मैं जाके बाबा को छोड़ के आता हूँ। जल्दी करो बच्चा, अब हमें हमारे डेरे पर छोड़ के आओ। हाँ बेटा छोड़ के आओ उनको। बाबा अफगान रंगीली की, बाबा अकबर रंगीली की, बाबा अकबर रंगीली की। ठीक है बालक, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा जी, बाय। हाँ भाई चुड़ैल, अब समझ में आया क्या हुआ था? हाँ, पर इसमें मेरी क्या गलती, उसने मुझे चूज करा तो? क्योंकि सेम तू भी चुड़ैल की तरह ही तो लगती है। बेटा बहुत टेंशन में रहे हैं, थक गया हूँ बहुत, पानी लाया, पानी पिला। ये तो पेट्रोल है। क्या करूं मैं, मर जाऊं।